बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने कश्मीर और कश्मीर के लोगों की तारीफ की है और कहा कि कश्मीर जैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अनंतनाग के ऐश मकाम में बाबा सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी के दौरान संजय दत्त ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने बाबा सखी की गार में भी काफी वक्त गुजारा और उन्होंने पूरे मुल्क को कश्मीर में क्याम अमन और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर से उनका रिश्ता उनकी पहली फिल्म रॉकी के वक्त से है। वाजह है कि संजय दत्त इन दिनों पहलगाम में एक तमिल फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में क्याम किए हुए हैं। ऐश मकाम पहुंचने पर वहां पर मौजूद लोगों ने संजय दत्त का वालेहाना इस्तकबाल किया। संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स की कश्मीर आमद और फिल्मों की शूटिंग से सियाहती शोबे से मुंसलिक अफराद भी काफी खुश हैं। बुलावा था इसलिए यहाँ पहुंच सका मैं। दुआ मांगी है मैंने अपने इंडिया के लिए, अपने कश्मीर के लिए, ताकि टूरिज्म बढ़े, यहाँ लोग आए, शूटिंगें हों, सबको कामकाज मिले बहुत। और अभी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी टूरिस्ट आए हैं। और मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ लेकिन कश्मीर जैसी जगह नहीं है। और मेरी पहली पिक्चर रॉकी यहीं शूटिंग हुई थी। मेरी ज़िंदगी का पहला काम कश्मीर में से ही शुरू हुआ था, तो मुझे एक बहुत प्यार है कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से, और मैं चाहूँ कि मैं हमेशा यहीं हूँ। रिलायंस जियो ने आज शिमाली कश्मीर के बारामूला और सुपुर कस्बों में 5G तेज रफ्तार इंटरनेट डेटा खिदमात का आगाज किया। जियो के कई मुलाजमीन ने बारामूला शहर में ख्वाजा बाग से खानपुरा तक एक बाइक रैली निकाली। सुपुर शहर में भी एक बाइक रैली निकाली गई। ये रैली 5G खिदमात के फवायद से आगाह करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी है। कंपनी के अहदेदारों ने बताया कि उन्हें मुल्क के 34 शहरों में जियो ट्रू 5G पेश करने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि जियो इंजीनियर्स हर हिंदुस्तानी को ट्रू 5G पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, ताकि इस टेक्नोलॉजी के नुमाया फवायद का मुल्क के हर शहरी तजुर्बा कर सकें।